हेलो, बैठे बैठे क्या करे, कर लेते हैं कुछ काम। चलो बना लेते हैं पानीपुरी, फिर खिलाते हैं मेरे घर वालों को। यार तो गाइस, बनाने वाला हूँ मैं पानीपुरी और खाएंगे मिलके घर वाले। तो चलो मैं जल्दी से दिखाता हूँ कि पानीपुरी कैसे बनती है फटाफट, और कैसा टेस्ट आता है और कैसे बनती है। तो लेट्स कंटिन्यू। फिलहाल अभी धनिया पत्ता छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और प्याज थोड़े थोड़े चॉप कर लिए हैं, और थोड़ी थोड़ी हरी मिर्ची चॉप कर ली है, और आलू रखा है उबलने के लिए। तो ये सब होने के बाद मैं दिखाता हूँ। फिलहाल हम पानी पूरी बनाने का मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाला तैयार होगा, पानी तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही जाके लेके आ गया था। ये है जलजीरा पाउडर, और ये है पानी पूरी मसाला, और साथ में ये एक चाट मसाला है, और ये हरी मिर्ची और ये लाल मिर्ची। तो इसको चलिए पूरा बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है पानी पूरी का। अभी हम मिर्ची को छोटा छोटा काट के पानी में डाल रहे हैं, और इसको डालने के बाद सारा धीरे धीरे ये जो भी मसाला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे इस पानी मिलाएंगे, जिससे पानी थोड़ा तीखा और अच्छा और बहुत मज़ेदार बने। तो ऐसे ही जैसे वीडियो में दिख रहा है कि आप धीरे धीरे इसको ऐसे ही काट लेंगे हरी मिर्च को। अब धीरे धीरे हम ये लाल मिर्ची डाल देंगे। जैसा आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से लाल मिर्ची आप लोग मिला सकते हैं। तो हम अपने अनुसार इसमें लाल मिर्ची मिला रहे हैं। पानी मैंने कम ही रखा है, क्योंकि सारा मसाला मिलाने के बाद हम पानी अगर थोड़ा ठीक बन जाएगा तो पानी डाल के उसमें और उसको हल्का कर लेंगे, और ज़्यादा बना देंगे पानी डाल के। तो फिलहाल के लिए तो थोड़ा कम ही बनाया है, फिर बाद में उसको हम लोग पानी का इंक्रीज कर ले। चाट मसाला डाल दिया गया है स्वाद अनुसार, जितना चाहिए आप चटपटा उसके हिसाब से आप चाट मसाला डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे, जैसे मसाला नीचे जाके बैठे ना, सही से पूरा कंप्लीट मिल जाए। पानी का कलर देखिए थोड़ा बहुत आ गया है, और बाकी कलर आ जाएगा हम जो और ये दो मसाले जो बचे हैं, पानी पूरी और ये जलजीरा वाले, दोनों मिलाएंगे। तो ये हम पानी पूरी मसाला इसमें मिला रहे हैं। ये मसाला हम लोग इसलिए लेके आते हैं क्योंकि एकदम एग्जैक्ट टेस्ट आ जाएगा पानी पूरी मसाले ऐसा, इसलिए डाल दिया हम लोगों ने। पौधा ही डाल रहे हैं, बाद में पानी की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेंगे। इसकी खुशबू एकदम पानी पूरी मसाले जैसे आ रही है। कुछ तो मैं आप लोगों को खुशबू सुंघाता, मगर इसमें सिर्फ आप लोग देख ही सकते हैं, सूंघ नहीं सकते। ये देखिए पानी की थिकनेस और कलर सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल पानी, ऐसा चाट खाना दुकान पे खाते हैं ना, वैसा ही एकदम हो गया है। थोड़ा सा हम लोग जलजीरा पाउडर मिला लेंगे इसके, थोड़ा सा, बिकॉज ऑलरेडी पानी पूरी मसाले के अंदर जलजीरा रहता ही है, मगर तब भी ऊपर से हल्का सा हम ऐड कर लेंगे क्योंकि एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये देखिए हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसका पानी का थिकनेस देखिए, अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा और पानी डाल देंगे तो बिल्कुल हल्का और एकदम लजीज हो जाएगा, जैसे पानी पूरी की दुकान पर हम खाते हैं ना बाहर चाट वाला, वैसे ही हो जाएगा एकदम। ये नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार, और ये पेस्ट है, अदरक और पुदीना है इसके अंदर, तो इन सबको, मिर्ची है, इन सबको मिक्स करके हम लोगों ने पेस्ट बनाया है, डाल देंगे जिससे मसाला और थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिससे हम उसका पानी मिला के और उसको एकदम कॉम्पैक्ट कर लेंगे। तो हम उसको मिला लेंगे, नमक भी डाला है हम लोगों ने, तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो पानी पूरी का पानी तैयार हो गया है, इसमें थोड़ा और पानी डाल के हम इसको क्वांटिटी इसकी इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम है इसलिए बहुत थिक दिख रहा है। क्वांटिटी इसकी इंक्रीज़ कर लेंगे तो एकदम एग्जैक्टली हो जाएगा। अब बच गया हमारे फुलके, अब वो फुलके या गुपचुप या कुछ भी कह लीजिए, तो चलिए वो दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो फाइनली हम लोगों ने पैकेट मंगवाए थे रेडीमेड, तो बना के पहले ही रख लिए थे पानी पूरी के जो गुपचुप जो बोलिए। अब उसको गर्म तेल में हम डालेंगे, अब डाल के इसको हल्का दबाएंगे ना तो वो निकल जाएगा। और दो डाल दीजिए, देखिए कैसे फूल के एकदम एक्यूरेट हो गए हैं। उसको थोड़ा और होने दो ना, उसमें डाल दो, ठीक
देखिए आप इसको डालेंगे, रेडीमेड के फ़ायदे यही होते हैं कि अगर आप इसको खरीद के लाएंगे और डाल देंगे तो अपने आप फूल के एकदम एक्यूरेट और एकदम करकरारे हो जाते हैं। ये फाइनली बन रहे हैं और ये गुपचुप और या बोलिए फुलके या पानी पूरी बन के तैयार हो गए। तो अब मैं इन सबको जाके टेबल पर रखता हूँ, फिर खा के बताता हूँ कि टेस्ट कैसे लगे। तो ये देखिए सब निकाल लिए हम लोगों ने, तो अब नेक्स्ट दिखाता हूँ कैसे टेस्ट। ये ऐसे बने तैयार, मैं दिखा के फोड़ के दिखाता हूँ कितने। ये देखिए एकदम ये सॉफ्ट नहीं रहते, थोड़े कड़कड़े बनते हैं एकदम, ऐसे हमें चाट की दुकानों में मिलते हैं, तो उसमें पानी भर के खाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो। सूखा भी आलू बॉयल होके तैयार हो गया, तो उसको हम लोग पील करके एक डाल देंगे एक साथ में, और ये सारा जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया था आपको, तो ये सब मिला के उसके ऊपर हल्का सा वही चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक डाल के स्वाद अनुसार सब मिला लेंगे। तो चलिए मैं फाइनल आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ और खा के टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है और कैसा लग रहा है टेस्ट। पानी पूरी बन के तैयार हो चुकी है, कैमरा मैन पास ये सब दिखा दूँ क्या बन के तैयार हो गया। ये देखिए चोखा बन के तैयार हो गया है, ग्लास में मैंने पानी ले लिया है और ये कुछ गुपचुप या गोलगप्पे भोले ले लिया है और ये पूरा पानी है। तो पहले मम्मी का तो मैं आपको फोड़ के दिखाता हूँ कैसा है। ये कैमरे के पास ले, हम दिखाते हैं कैसा। इस पर दिखाओ, इस पर थोड़ा दूर से दिखाओ। इसमें हम भर लेते हैं चोखा मसाला और ये पानी भरते हैं। फूटी में लग रहा है, कोई नहीं, खाते हैं देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। क्या टेस्ट बना है, इससे शब्द से एक और खा लेता हूँ। और ये बनी है जो गुपचुप बहुत ही सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड है फोड़ने में। और ये पानी भरते हैं इसमें, मस्त बनी है। तो चलिए हम पानी पूरी खाते हैं, फिर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। गाइस पानी पूरी बन के ख़त्म, खा पी के सब लोग तैयार। तो बहुत स्पाइसी थी, बहुत मस्त बनी थी और स्वाद अभी तक मेरे जीभ पे। तो गाइस यही इजी स्टेप्स थे और लॉकडाउन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। चैनल तो मेरा ट्रैवल का है बट अब मैं हमेशा ट्रैवल का डाल नहीं सकता लॉकडाउन, तो इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा ऐसे फूड के ब्लॉग, कभी रिव्यू ब्लॉग ऐसे बना देता हूँ। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप लोगों को लगातार ट्रैवल्स की वीडियो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी इसके लिए काम चला लीजिए और बहुत प्यार दिखाइए। वैसे मुझे आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं, तो और प्यार दिखाइए और सपोर्ट करिए। और अगर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग को चैलेंज देखना, फूड चैलेंज या कौन सा भी एंगल देखना है ब्लॉगिंग का जो मैं इंक्लूड करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसको देख के ज़रूर आप लोगों के लिए मस्त से मस्त से ब्लॉग लाऊंगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी। टाटा बाय, अंटिल देन यू टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। सी यू।